ओसा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4, बी इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ 5 एंड सी इज इक्वल टू रूट 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ओके, सो देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी और सी की वैल्यूज जो गिवन है वो रीराइट कर लेते हैं इस तरह से। अब देखिए गाइस, ये जो थर्ड रूट ऑफ 4 है, या हम यूँ कहेंगे क्यूब रूट ऑफ 4, ओके, इसे हम बाय एक्सपोनेंट रूल किस तरह से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 4 raised to 1/3। सिमिलरली बी को लिख सकते हैं 5 raised to 1/4 एंड सी इज इक्वल टू 3 raised to 1/2, ओके। नाउ ये जो पावर गिवन है 4 की, 5 की और 3 की, इन पावर्स को सेम कर लेना है, ओके, सेम कर लेना है, मींस 1/3, 1/4 और 1/2, इन तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें 3, 4 और 2 का एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। सो 3, 4, 2 का एलसीएम होगा 12, ओके। सो इन तीनों डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए यहाँ पर 1/3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये देखो क्या होगा, 4 into 3, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 into 1 और 3 into 4, और यहाँ पर 6 है, 6 into 1 upon 6 into 2, सो ये होगा 4/12, 3/12 और 6/12। सो इस तरह से ये जो फ्रैक्शंस है उनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। तो देखो रीराइट किस तरह से करेंगे, ए इज इक्वल टू होगा 4 raised to 1/12, बी इज इक्वल टू 4/12, बी इज इक्वल टू 5 raised to 3/12 और सी इज इक्वल टू 3 raised to 6/12, ओके। अब अगेन बाय एक्सपोनेंट रूल वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 4 raised to 4/1/12, बी इज इक्वल टू 5 raised to 3/1/12 एंड सी इज इक्वल टू 3 raised to 6/1/12, ओके। नाउ देयरफॉर ए इज इक्वल टू, नाउ वी कैन राइट 12th root of 4 raised to 4, b इज इक्वल टू 12th root of 5 raised to 3 एंड c इज इक्वल टू 12th root of 3 raised to 6, ओके। देयरफॉर a इज इक्वल टू 12th root of 4 raised to 4 मीन्स 256, b इज इक्वल टू 12th root of 5 raised to 3 मीन्स 125 एंड c इज इक्वल टू 12th root of 3 raised to 6 मीन्स 729, ओके। सो देखिए गाइस, जो नंबर स्क्वायर रूट में बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा, ओके। सो यहाँ पर स्क्वायर रूट में 256, 125 और 729 है, इसलिए सबसे बड़ा नंबर 729 है, इसलिए ये नंबर सबसे बड़ा होगा, सेकेंड नंबर पे ये होगा और थर्ड नंबर पर 1, 2 और 3, थर्ड नंबर पे ये नंबर होगा। इसलिए जो सीक्वेंस होंगी वो होंगी, देखो इस तरह से यहाँ पर लिख लेते हैं, सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, ओके, सी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी, ओके। सो ये जो सीक्वेंस होंगी ये करेक्ट होंगी, सो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा।